हाय दोस्तों, आज लेके आया आप लोगों के लिए इलिकॉन ऑइंटमेंट। इलिकॉन ऑइंटमेंट का कंपोजिशन क्या है, MRP कितना है, मैन्युफैक्चरर कौन है, साथ साथ इसका यूजेस क्या है, यूज़ करने के बाद क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, उसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी आप लोगों को देने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू किया जाए। आइए सबसे पहले गौर कर लेते हैं, ये इलिकॉन ऑइंटमेंट है दोस्तों। ये आपको 10 ग्राम में मार्केट में मिल जाएगी और ये जो 10 ग्राम का प्राइस दोस्तों 195 रुपया है। तो इसको आप लोग ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं या इंडिया में किसी भी मेडिकल शॉप में दोस्तों आपको आसानी से ये ऑइंटमेंट मिल जाएगी। दोस्तों ये जो यूज़ ओनली फॉर एक्सटर्नल, तो इसको एक्सटर्नली दोस्तों यूज़ करना है। इसका मैन्युफैक्चरर कंपनी टोरेंट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड का ये प्रोडक्ट है। इसका जो कंपोजिशन है दोस्तों वो है मोमिटासन, आपको मिल जाएगी 1 mg में। तो इसी सॉल्ट का एकदम, इस सॉल्ट दोस्तों एकदम पावरफुल है, तो इसका हल्के में मत लीजिएगा। और इसको एक स्टेरॉइड मेडिसिन है, तो इसको लॉन्ग टाइम भी इस्तेमाल मत कीजिएगा। इस सॉल्ट को दोस्तों डॉक्टर साहब आपको जितना दिन के लिए रिफ़र करता है उतना दिन ही दोस्तों आपको इस्तेमाल करना है। आइए आप इसको एक बार ओपन करके दिखा देते हैं आप लोगों को इसके अंदर में क्या मिलता है। दोस्तों ये कॉक्सेट की एक कार्टन के अंदर में दोस्तों ये मिलता है। इसका पैकिंग दोस्तों एकदम बढ़िया है। और ये जो सॉल्ट है दोस्तों ये भी दोस्तों ये एक ट्यूब फॉर्म में आप लोगों को मिलता है। देख लीजिए दोस्तों, इलिकॉन ऑइंटमेंट है ये, और इसके बैजिंग भी है। और इसका जो कंपोजिशन है दोस्तों वो मोमिटासन है। और इस मोमिटासन का इस्तेमाल दोस्तों आप किस किस पर्पस में कर सकते हैं उसके बारे में भी एक बार जानकारी दे देते हैं। ये ज़्यादातर दोस्तों आपको स्किन की एलर्जी, दाना बनना, खुजली, दाग धब्बे, ये आदि प्रॉब्लम के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चेहरे पे भी दोस्तों इस्तेमाल किया जाता है, चेहरे को गोरा करने के लिए। गोरा के साथ साथ अगर आपकी चेहरे पे दाना या पिंपल का कोई प्रॉब्लम है उसको भी दोस्तों जड़ से ख़त्म कर देता है। ये बहुत ही स्ट्रांग मेडिसिन है ये मोमिटासन दोस्तों, एकदम बहुत पावरफुल एक मॉलिक्यूल है। तो इसका इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। ये जब आप अपने चेहरे पे दोस्तों इस्तेमाल कीजिएगा तो विदाउट डॉक्टर परमिशन आप इसका इस्तेमाल मत कीजिएगा। इसका अगर आप इसको सेल्फ यूज़ करते दोस्तों उस टाइम आपको बहुत सा प्रॉब्लम का सम्मुखीन होना पड़ता है। जैसे कि दोस्तों इसको अगर आप लॉन्ग टाइम इस्तेमाल कीजिएगा तो आपके चेहरे का जो स्किन है दोस्तों वो पतला हो सकता है, साथ साथ जलन का महसूस हो सकता है। या आप धूप में इसको यूज़ करने के बाद धूप में जाइएगा तो दोस्तों आपको जलन का महसूस हो सकता है। तो इसको इस्तेमाल करना है सोच समझ के, डॉक्टर की परमिशन के बिना दोस्तों इस ऑइंटमेंट का इस्तेमाल मत कीजिएगा। और दोस्तों इस ऑइंटमेंट को आप किसी भी दूसरे और मेडिसिन के साथ मिक्स करके भी दोस्तों आप इस्तेमाल मत कीजिएगा। और प्रेगनेंसी में भी इसका इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। और इसको यूज़ करने के बाद जैसा भी आपको पुराना से पुराना दाग धब्बा या चेहरे पे दाग धब्बे का जो प्रॉब्लम था दोस्तों वो आपको आराम मिल जाए। आइए बात कर लेते हैं इस इलिकॉन ऑइंटमेंट का इस्तेमाल करने के बाद क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। ज़्यादातर तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन इसको आप अगर लॉन्ग टाइम इस्तेमाल करते हैं तो आपका चेहरे का स्किन थोड़ा पतला हो जाना या लाल लाल चकत्ते बनना, ये आदि प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसको चेहरे पे लगाने से पहले दोस्तों आप डॉक्टर की सलाह ले लीजिएगा, उसके बाद ही इसको इस्तेमाल कीजिएगा। आइए आप बात करते हैं इसको किस तरह से यूज़ करना है। दोस्तों आपकी जिस एरिया में और जिस बॉडी का जिस पार्ट में दोस्तों आप इन्फेक्शन है, इन्फेक्टेड है, तो उस एरिया को सबसे पहले पानी से दोस्तों इसको साफ करना है, उसके बाद उस क्रीम को लगाना है। ये दिन में 2 टाइम आप यूज़ कर सकते हैं, सुबह 1 बार और रात को सोने से पहले इसको यूज़ कर लीजिएगा दोस्तों। तो आपको जैसा भी प्रॉब्लम है उससे आपको आराम मिल जाएगी। अगर आप लोगों को इस जानकारी को अच्छा लगा तो प्लीज़ एक बार मेरे मेडिलैब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बगल वाले घंटे को भी एक बार प्रेस कर लीजिए।
इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।